आम राज्यर माँ मैंने स्वावलम्बी हेले ही ओडिशार समृद्धि को सेमाने आगे ही नेबे तेणु महिला मानंकर आर्थिक सशक्तिकरण पाई सेमानंक हातरे जीविकार अनेक माध्यम देउछंती आम राज्य सरकार। महिलांक जीविका पाई एक बड़ माध्यम हेउछि माछ चाष। राज्य सरकारंक मत्स्य निर्देशालय एथिपाई सबु प्रकार प्रोत्साहन जोगाई देउछि। एभली प्रोत्साहन पाइबा जोगु आज निजकु जणे सफल मत्स्यचाषी भावरे प्रतिष्ठा करिपारिछंती जगतसिंहपुर जिल्ला कुजंग ब्लक बगदिया ग्रामर 45 वर्षिया निरुपमा महाराणा। मु गृहिणी थिली, ससुर मते प्रेरणा देले जे तू माछ चाष करे। मु माछ चाष पै मन बळाइली आउ प्रथमे ब्लक कु गली, ब्लक रे मत्स्यचाषीक ठारु मु किछि अनुदान पाइछि जोटा कि मु सेथिरे आज एतबाट आगुकु मु जाई परिछि। 2019-20 मत्स्य पोखरी योजनारे गाँ बाड़ी थिबा 5 एकर जगार 2टी माटी पोखरी खोली माछ चाष आरंभ करिथिले निरुपमा। सेथिरे 4 लक्ष जाँळ छाड़िथिले। मुँ जेतेबेळे माछ चाष पाई मन बळाइली आमर ब्लक रे मत्स्य चाषी अधिकारी सांगे जोगाजोग कली आउ मत्स्य पोखरी योजनारे मते अंतर्भुक्त करागला। सेथिरे से सार माने आसी मोर इनक्वायरी कले मो 5 एकर जगार 2टा पोखरी खोली आउ 3,40,000 मते सब्सिडी मिली। सेथिरे मु मेसिन रे पोखरी कली आउ माछ जाळ छाड़िली दाना आउ चून ताथरे पकाइली। प्रथम दफारे 2.5 टन माछ अमल होइथिला। सेथिरु निरुपमांक हातकु आसीथिला भल 2 पैसा लाभ। वर्तमान तांक बाड़ी पोखरीरे रोही, भाकुर, मिरिकाळी, महुराळी ओ चिंगुडी प्रजातिर माछ चाष हेउछि। 6 मासकु थरे अमल हेउछि माछ। वर्षकु 4-5 टन माछ उत्पादन करुछन्ति निरुपमा। ताकु आखपाख बजार तथा पारादीपकु बिक्री लागि पठाउछन्ति। केवल माछ चाष नुहे, निज बाड़ी रे से विभिन्न प्रकार पनीपरिबा और फल चाष करुछंती। माछ और अन्य चाष कामरे 8-10 टी परिवार को जोड़िछंती निरुपमा। फलरे सेमानंकु मध्य रोजगारर सुजोग मिली पारुछि। निरुपमांकु देखि स्थानीय स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माने मध्य बेस अनुप्राणित होइछंती। आजि निज अञ्चलरे जणे सफल मत्स्यचाषीर परिचय तयारी करिछन्ति निरुपमा। मत्स्यचाषरे उत्कर्ष पाई चलित वर्ष राज्य सरकारंक कृषि ओडिशा मञ्चरे कृति महिला चाषी भाबरे मध्ये से संबर्धित होइछन्ति। ससुर मते प्रेरणा देले, तांको इच्छा थिला मु आज से तांको इच्छा रे पूर्ण करिछि। आज से नाहंती, से थिले आज बहुत खुशी हेथन। मु जो राज्य स्तरीय पुरस्कार पाइछि से थिले आज बहुत खुशी हेथन। मु निज गोडरे छिड़ा हेछि जो सेथिपाई मु ओडिशा मत्स्य संपद विभाग को एवं राज्य सरकार को मु धन्यवाद जणाउछि।